मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव में कहा कि मध्य प्रदेश में हीरा भी पाया जाता है और सोना भी। प्रदेश के पन्ना में हीरे पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव में कहा कि खनिज कॉन्क्लेव में होने वाले मंथन से निकलने वाला अमृत मध्य प्रदेश के साथ ही विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश प्रचुर खनिज संसाधनों से समृद्ध है। मध्य प्रदेश को देश का एकमात्र हीरा उत्पादन क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। प्रदेश का मलाज खंड क्षेत्र देश का तांबा खनन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस प्रकार के कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश का खनन क्षेत्र तो बूस्ट अप होगा ही, देश की समृद्धि में भी प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हर महीने हम संभाग स्तर पर एक रीजनल कॉन्क्लेव भी करते जा रहे हैं और अभी तक के जो मैंने प्रस्ताव के आंकड़े बताए, लगभग 2,45,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये युवाओं के लिए, खासकर सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करते हुए, युवा, गरीब, महिला या शिशु, प्रधानमंत्री के जो 4 पिलर्स है, ये चारों सेक्टर में बड़ा काम करेंगे। हॉर्टिकल्चर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम इसी प्रकार की बड़ी संभावना देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी माइनिंग कॉन्क्लेव का जो 2 दिन का समापन हुआ, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ बात करने का जो विश्वास भी होता है और अच्छा भी लगता है, जहाँ सर्वे करने वाले भी है तो मशीनों के उत्पादन करने वाले भी हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।